नालछा में आज हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के द्वारा पूरे मालवा प्रांत में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर थाने पर ज्ञापन देकर विरोध प्रकट किया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक स्थल मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों के अत्यधिक तेज ध्वनि से बच्चों को लेकर विभिन्न रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई में ही बाधाएं हो रही है, जिसको लेकर शीघ्र ही इन लाउड स्पीकर को हटाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन से दौरान हिंदू संगठन के द्वारा वाहिनी प्रमुख लक्की यादव, हिमांशु सोनी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन के दौरान नालछा थाना प्रभारी जयराज सोलंकी, तहसीलदार सुरेश नागर सहित क्षेत्रीय अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। अथवा जो हो रही जानलेवा ध्वनि प्रदूषण को पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने बाबत निवेदन है कि नालछा व आसपास के क्षेत्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अन्य ध्वनि प्रदूषण मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। शहर में रहवासी इलाकों में जहाँ सभी आयु वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं, कार्य करते हैं, वे सब उक्त तीव्र गति की ध्वनि से होने वाली ध्वनि से आम जनता पीड़ित है। अधिकांश मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों से अधिक का ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय से के आदेश क्रमांक 4792/2005 राजेंद्र कुमार वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में ध्वनि प्रदूषण से जीवन की हानि को जोड़ा गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 51A(g) के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। इस प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसमें एम्पलीफायर के उपयोग होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी जानलेवा माना गया है, जो कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन करता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौलाना मुफ्ती सईद विरुद्ध स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल मामले में निर्णित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, परंतु उसके तहत किसी को भी ध्वनि प्रदूषण करने का लाइसेंस अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के एक चर्च ऑफ गार्ड इन इंडिया विरुद्ध KKR मजिस्ट्रेट कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय किया गया है कि किसी भी सभ्य समाज में ध्वनि प्रदूषण को किसी भी धार्मिक मामले में से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसके तहत इससे होने वाली हानियों को स्पष्ट लेख किया गया है। उक्त की स्थिति में पर्यावरण के लिए एवं उसकी सुरक्षा के लिए भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान उनके धर्म के ऊपर रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण को समस्त भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बताया गया है। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग शहर में सघन बसाहट के क्षेत्र में स्थित मस्जिदों में होने वाली अजानों के आसपास रहवासियों को तीव्र मानसिक शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों, जिसमें वृद्ध, बच्चे, मरीज शामिल हैं, करना पड़ रहा है। उक्त मामला भादवी की धारा 268 के तहत ध्वनि प्रदूषण एक पब्लिक न्यूसेंस उत्कृत है, जिसकी सजा भावदीय की धारा 290 में वर्णित है। उक्त प्रक्रम से ध्वनि से उत्पन्न आमजन के मध्य न्यूसेंस की स्थिति में पुलिस एक्ट 1861 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी कार्यक्रम अथवा धार्मिक प्रार्थनाओं को लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि बाडेड बजाने के यंत्र, एम्पलीफायर आदि का उपयोग करने के पूर्व संबंधित थाना क्षेत्र तथा नगर निगम की अनुमति लिए जाने की आवश्यकता है। बिना अनुमति लिए क्षेत्र के पूरे सप्ताह, पूरे वर्ष लगातार मस्जिदों में उत्पन्न तीव्र ध्वनि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त मस्जिदों से जुड़े स्थलों पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्री लगाकर तीव्र ध्वनि से की जाती है, जो कि मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए घातक है। पुलिस एक्ट 1861 की धारा 30 एवं धारा 32 के तहत पुलिस मस्जिद द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण एवं न्यूसेंस सतह उत्पन्न किए जाने पर दंड अधिरोपित किया जाने का प्रावधान है। सऊदी अरेबिया में जहां लगभग 94,000 मस्जिद हैं, जिसमें
से अधिकांश रहवासी क्षेत्र में यहाँ के इस्लामिक मोलों के मंत्रालय मैजिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स सऊदी अरब ने इबादत हेतु लाउड स्पीकर के माध्यम से बुलावे पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। यह रोक इस्लामिक राष्ट्र के लोगों जो ज्ञापन दिया नालचा थाने में, वो किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने? हमने आज हिंदू जागरण मंच के तत्वाधाम में ज्ञापन दिया है, जो कि अजान लाउड स्पीकर में हो रही है, असंवैधानिक ढंग से हो रही है, तो इसको हमने लगाम लगाने के लिए ये आवेदन दिया है और प्रशासन से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाए। लाउड स्पीकर से बहुत सारी हानियां हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आती है, बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही है, तो इसके कारण से आज हमने ये आवेदन दिया है और थाना पे आवेदन देके हमने निवेदन किया है कि आप इस पर कार्यवाही जल्द से जल्द करें। आपका नाम? हिमांशु सोनी, नालछा थाना इकाई महामंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।